दिलराज नंदा जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। हम इस जीवन में करने क्या आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे पता चलेगा? अभी तो हालत खराब है, कैसे? अभी उधर से आए एकदम। हम करने क्या आए? प्यार करने। हम प्रेम स्वरूप भगवान के अंश हैं, हमें प्रेम चाहिए। हृदय की बात समझो ये सब। अगर संसार के पद धन सब एक तरफ रखा जाए, हृदय से देखो अगर कोई प्यार करने वाला ना हो तो हृदय में लगता है कि जीवन अधूरा है, नहीं लगता? हम एक ऐसा साथी चाहते हैं जो सदैव हमारे पास हो और हमारे मन की करे, हमारे मन की जाने, वो हमें बहुत प्यार करे। वो केवल प्रभु है, दूसरे पर नहीं। क्योंकि अगर यहां किसी से प्यार करे तो वो अपने मन की करवाना चाहता है सामने, जिससे हम भी प्यार करें। लेकिन हमारे मन की कोई करे, वो तो पूर्ण काम होगा, वही कर सकता है जो पूर्ण है। अपूर्ण तो हमसे चाहेगा, वो हमें प्यार क्या करेगा? वो हमसे अपने सुख की चाह रखेगा तो हमसे प्यार क्या करेगा? हमारे हृदय में एक मांग है कि प्रेम की, हम जान नहीं पाते। हम जो धन चाहते हैं उससे शरीर से प्रेम करते हैं, इसलिए धन चाहते हैं। हमें अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा देखने को मिले, अच्छा धन की मात्रा। हम धन से प्यार नहीं करते, शरीर से प्यार करते हैं, इसलिए मुझे धन प्यारा लगता है। शरीर से प्यार करते इसलिए सम्मान प्यारा लगता है। लेकिन शरीर कोई प्यार की वस्तु है? विचार करके देखो, ये कोई प्यार की वस्तु है? ये तो छूट जाएगा, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। और ये घृणित है, अंदर सब मल मूत्र भरे हुए हैं। हम शरीरों के प्यार में फंस गए, धोखा हो गया हमारे साथ, हमारे मन और इंद्रियों ने धोखा दे दिया। एक राजमहल में काम करने वाली जाती थी, तो राजमहल में जो काम करेगी तो उसका लड़का था, वो राजमहल में जाती थी इसलिए उसके लिए रोक टोक नहीं था। तो एक दिन उसने छज्जे पे राजकुमारी अपने बाल सुखा रही थी, उसकी दृष्टि पड़ी। अब राजकुमारी का सौंदर्य, उसकी पोशाक, उसका मन आशक्त हो गया देख के ही। और सोचा, मैं उसका पुत्र हूं जो इस घर में पोछा लगाती, काम करती, भला राजकुमारी मुझसे क्या प्यार करेगी? पर अब मैंने ऐसा रूप नहीं देखा, अब मैं जी नहीं सकता। घर वापस हुआ, खाना पीना बंद कर दिया। कई दिन जब भोजन नहीं, उदासी, तो उसकी माँ ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? कौन सी ऐसी बात है? अगर कोई पीड़ा है तो मैं राज महल में सेवा करती हूँ, इसलिए राज वैद्यों को बुला सकती हूँ, महाराज मेरी प्रार्थना सुनेंगे क्योंकि मैं उनकी सेविका हूं। क्या चाहिए तुझे, क्यों ऐसा करता है? तो उनका, तुम माँ हो इसलिए बता रहा हूं, पर तुम भी नहीं दे सकती। मैं जब आप काम को जा रही थी तो मैं महल गया, राजकुमारी को देखा, मेरा मन आशक्त हो गया, अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता और उसको किसी भी तरह प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं मरूंगा, मैं उसके बिना नहीं। एक दृष्टि, मन चाहा सौंदर्य देखा तो प्राण निछार कर दिए, सारे भोग फीके लगने लगे और शरीर का भी प्यार छूटने लगा। मैं शरीर छोड़ूं, देखना प्रेम की महिमा देखो। और उसकी हिम्मत कैसे पड़े मां की, पर पुत्र से बढ़कर कोई नहीं है। उसने अपनी जान की भी परवाह न करके राजकुमारी से मिलने का समय लिया और गई और कहा कि मैं आपकी चरण सेविका हूं, आपके महल का पोछा लगाती हूँ, साफ करती हूँ। जो कहने जा रही हूँ मृत्यु दंड देने लायक बात है, पर यदि आप क्षमा करें तो मेरी हिम्मत बने। तो उनका, नहीं नहीं आप बोलिए क्या बात। तो उनका, बता रही हूँ कि मृत्यु दंड ले आप दे सकती हैं मुझे, मेरा पुत्र आपके रूप यौवन पर आशक्त हो गया है और जिस दिन से देखा उस दिन से भोजन नहीं पाया, कह रहा मैं प्राण त्याग दूं, बस मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मेरे पुत्र को, मेरी सामर्थ्य ये कहने की नहीं है कि आप मेरे पुत्र का वरण कर लें, पर मेरी सामर्थ्य कि आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए। उनका, ठीक है आप भेजो पुत्र को। वो बहुत विवेकवान थी,
पुत्र है। तो उनका तुम मेरे इस रूप प्यासक हो। कहा जी तीन दिन बाद आना, अगर ये रूप आपको पसंद आएगा तो मैं ये शरीर आपको दे दूंगी, जाओ खाओ पियो मौज से रहो, तीन दिन बाद आना। उसने राजवैद्य से अधिक शौच होने वाला पदार्थ ले लिया, जो पानी ही पानी पानी ही पानी, तीन दिन लगातार 250 शौच, और उसको स्वर्ण के पात्र में रखवाया। तीन दिन बराबर शौच होने के कारण चेहरे की आकृति बदल गई, शरीर ऐसा। बुला उसको और मल के ढक्कन खुला रखो, पूरे कमरे में बदबू, घृणित बदबू, उसमें मैं बुलाया गया। जाओ राजकुमारी बुला लो। पहले तो इतनी बदबू, तीन दिन का मल वो खुले पात्र में रखा, ऐसे किया। जब राजकुमारी के समीप गया तो बराबर शौच होने के कारण आकृति, शरीर का वो तेज, वो सब। तो उसने कहा कि वो तेज कहाँ गया? बोले उस घड़े में भरा है। उल्टी जैसा लगा, भगाओ। राजकुमारी इनका इसी शरीर से प्यार करते हैं, भाग क्यों रहे हो? यही तो चमक रहा था, ये मल मूत्र ही था जो चमक रहा था, शरीर का ढांचा तो वही है, कहाँ जा रहा है? नहीं, हमें बात नहीं करनी, राख खत्म हो। सही पूछो, हमें एक ऐसा प्यार चाहिए, जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब प्यार के लिए कर रहे हैं, अच्छे से समझ लो, बस प्रेम चाहिए, और वो जगत में कहीं मिल नहीं सकता। एक धनुदास नाम के महान संत हुए हैं, उनका जब ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी बहुत ही अनुकूल और सुंदर थी। इतने आसक्त हो गए वो कि एक क्षण भी उसके बिन, ये कुछ जो महापुरुषों की लीलाएं होती हैं, उनकी सारी इंद्रियां एकाग्र होती हैं, जिधर लगती है ना भरपूर लगती है, पूरे आसक्त हो गए। अब सामान बाजार से लाना तो वो जा नहीं सकते, पत्नी के साथ चलेंगे। पत्नी ऐसे चल रही हो, आप बैग उल्टा चल रहे हो, छाता लगाए, धूप ना लग जाए, क्योंकि मैं इस रूप को प्यार करता हूं, और एक एक कदम पीछे। ये आचार्य चरणों के शिष्यों ने देखा तो सब हंस रहे थे, लेकिन वो एकाग्रता पूर्वक, वाह यार, अपनी इंद्रियों को इतना एकाग्र कर दिया इस पे, किसी तरफ नहीं देख रहा, कोई उपहास की बात, पत्नी को ऐसे देखते, बैग चले तो उपहास हो रहा था। आचार्य ने कहे तो बहुत काम का आदमी है, इसने अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर लिया, मोड़ना है, मैं इसके दर्शन करूंगा। आचार्य चरण गए नजदीक, अरे भाई मेरी तरफ तो देख ले, उधर ही देखता रहेगा? बोले जी नहीं सकता इसके देखे बिना, आसक्ति होती। तो उनका क्यों इतना आसक्त क्यों हो? बोले ऐसा रूप है, ऐसा गुण है, ऐसा प्यार है कि मैं नहीं अलग हो सकता। बोले अगर इससे बढ़ के तो बोले हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेमी जिससे प्यार करता है उसकी नजर में उससे बढ़कर कोई नहीं होता है। ऐसे प्यार में जैसे चपत नहीं लगाते है, कहता है हो ही नहीं, जे ही स्पर्श किया और संकल्प किया ते सामने ठाकुर ललित त्रिभंगी मदन मोहन, जे ही रूप वो दर्शन, छाता छूट गया, पत्नी विस्मृत हो गई, और वो महान संत से धनुर्दास जी नाम के हुए, दोबारा देखा भी नहीं पत्नी को, क्योंकि असली रूप का दर्शन, असली प्रेम का दर्शन हुआ, सब छूट गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जिस दिन से ब्याह होके आया, एक क्षण के लिए भी मायके नहीं जाने दिया। कामी पुरुष अलग होता है, प्रेमी पुरुष है। कामी पुरुष कहीं भी हो अपनी काम वासना की, प्रेमी जी नहीं सकता जिससे प्यार करता है। अब जब उनके भाई आते तो बहाने से लौटाल देती, बता नहीं पाती थी कि हमारे प्रिय पति इतना आसक्त है कि मैं। एक दिन वो किसी उपरोहिती कर उसे किसी जजमान के यहां गए थे, बस कुछ क्षण के लिए, लौट के आए तो भाई के साथ माँ आदि के दर्शन करने चले, जो ही सुना तो वैसे ही लौट पड़े। संध्या काल हो गया था, नदी पार की बड़ी कहानी है, छत से जाके आंगन में कूदे तो निकल के आए, देखा उसका धिक्कार तुम्हारी आसक्ति को, जितना इस चाम पे आसक्ति करते उतना राम पे करते, महान हो जाते। बस कदम पीछे हटाया और कहा आज से मैं तुम्हें गुरु मानता, दोबारा देखा नहीं। राम राम राम, इतने बड़े महान संत बन गए। चिंतामणि पर अत्यंत आसक्त बिल्व मंगलाचार्य, जिनको कहा गया बिल्व मंगल जी अपनी आंखें फोड़ ली थी सुई से, उनके पिता ने उनका ब्याह किया,
बहुत सुंदर लड़की, शायद इसकी आसक्ति पे फर्क पड़े, और वो लड़की पतिव्रता थी। एक बार भी उन्होंने बात भी नहीं की, और उसकी सारी जेवर लेकर चिंतामणि को सब संपन्न, इसी शोक में माता पिता मर गए। चिंतामणि तो वैश्या धन नहीं, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। आज ही अपनी पत्नी के पास गए, रो के कहा मुझे बचा लो, अगर मुझे धन नहीं मिलेगा तो मेरी तरफ देखेगी नहीं, अगर देखेगी नहीं तो मैं जीऊंगा नहीं। आज अपनी पत्नी से देख, पत्नी ने कहा हमारे पास तो एक सुहाग का वो होता है माला, क्या कहते हैं उसको, मंगल सूत्र, वही आप ले लो, कम से कम आपको देख लेगी, आपको सुख मिल जाएगा। कहानी पूरी बड़ी है। उसने कहा कहां से लाए, उसका अपनी पत्नी से, फिर क्या लाओगे, फिर कुछ नहीं हुआ। निर्मम, जब तू अपनी पत्नी का ब्याह ही हुई का उसका नहीं हुआ जो इतना प्यार करती है कि तेरे लिए मंगल सूत्र, तू मेरा क्या है, उनके पास आदमी तो धक्का मार के निकाल दिया। अब कोई रास्ता नहीं, जिसका कोई रास्ता नहीं होता उसे भगवान के भक्त मिल जाते, संत जन, उनको भगवान का परिचय मिला, कृष्णचंद्र जी का। तो जैसे जलते हुए आग में किसी को गंगा की धारा मिल जाए, नाम जब भगवत चिंतन शांति मिली, वो जो वियोग चिंतामणि का था, वो आशक्ति जो थी उसका मोड़ हुआ प्रभु की तरफ। एक ही वर्ष हुए थे, मन में आया कि मैं विचरण करूं, एक आश्रम में ना रहूं। तो वो विचरण कर रहे थे, आगे जा रहे थे, तो गांव बाहर मंदिर था, सरोवर था, तो वहां देवी पूजन के लिए माताएं बहने आती हैं। तो एक नौवधु जा रही थी पूजने, बिल्कुल हूबहू चिंतामणि जैसी, और फिर वो आशक्ति जागृत हो गई। बहुत मन को समझाया, बस वो पीछे लग गए, वो पूजन की वापस होकर के गई, जब घर में गई तो ये दरवाजे तक गए। उसका पति बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व वाला स्वभाव का था, अपने पति से कहा कोई नीच आदमी है, चिन्ह तो वैष्णव धारण किए पर गलत दृष्टि से हमें देख रहा, पीछे लगा चला रहा है, तो दरवाजे पे आया, हम हैं, धैर्य रखो। नजदीक गए, कैसे आगमन हुआ आपका, थप्पड़ भी मार सकता था। तो उन कहा आप कौन है, बोले जो अंदर गई उनके हम पति हैं, बोले मुझे बचा लो, मैं आसक्त चित्त हूं, मैं एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं, वो मेरी चिंतामणि जैसी ही है। उनका ठीक है, आप हमारे अतिथि हुए हैं, हम आपकी सेवा। पत्नी से कहा, उसने कहा प्रभु कुछ गलत, बोले हम है ना, तो चिंता मत करो, बैठो आराम से, उसकी भावना है ना दर्शन का, आराम से दर्शन, हिम्मत उसकी आई, पत्नी गई, फिर उनको जलन हुई, अरे नेत्र तूने मार दिया मुझे, वहां से ठोकर खाया था, प्रभु की शरण में गया, अब प्रभु से फिर तूने हटा दिया, ये अभी दिखाई देगी फिर छुप जाएगी, फिर क्या करूंगा। उनका मेरी बात मानो, दो सुइयां हमें दे सकते हो, तो अवश्य अभी ला दो, तो घर है। और कहा आए नेत्रो, संसार से ठुकराया हुआ भगवान की शरण में गया, और तूने फिर मुझे भगवान से विमुख कर दिया सच्चे प्यार से, अब तुझे रखूंगा मैं, जय श्री कृष्ण, दोनों नेत्र खोल लिए। अब जो जन्म से अंधे होते उनका अभ्यास होता है चलने का, और ये तो अभी अभी आंख फोड़ी है, घर में चीख मच गई, कहा नहीं किसी का अपराध नहीं, ये मैं अपने नेत्रों का अपराध मानता हूं, चल पड़े। लोगों से पूछा किधर वृंदावन है, मुझे वृंदावन का रास्ता बता दीजिए। अब पूर्वाभ्यास है नहीं, तो एक अंधा कुआं था रास्ते में, उसमें गिर गए, जे गिर गए, अब कृष्ण की सेवा कौन, हा कृष्ण, तो आवाज आई बाबा हाथ दो, तो सोचा इतना बड़ा हाथ किसका हो सकता है, वो तो अजान बाहु भगवान, तू परीक्षा के मुख है, इतना सुकुमल, इतना सौरभ, इतना भगवान छुड़ाए, समझ गए, तो उनका बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, और हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहूं तो है। वो महान आचार्य बने बिल्व मंगलाचार्य, श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति। हमारा मन प्रेम चाहता है सच्ची मन, पर वो जगह जगह धोखे खाकर फिर भी संसार में ही उसकी पूर्ति करना चाहता है, ये गलत बात हो गई है। प्रेम वपु प्रभु से यदि हमारा प्रेम हो जाए।